this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so तो चलिए हम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा जो मैंने आपको सिक्स अगस्त के लिए कॉल दी थी आ, मैंने आपको जो कॉल दी थी मैं आपको बता देता हूँ पहले मैंने यूट्यूब पे अगर जो आपको कॉल दी थी वो दी रही थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की और ग्रेसिंग की बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी आर्वल हाउसिंग फाइनेंस और एम की हम चारों कॉल को देख लेंगे पहले यूट्यूब की कॉल को देख लेते हैं क्या लेवल्स थे अब अगर, अगर अब तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा मॉर्निंग में मैं दो या तीन कॉल वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ ग्रेसिम का हमारा ये था ग्रेसिम में हमें थ्री सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव जीरो पे बाय करना था और शॉर्ट सेल करना था थ्री सॉरी सिक्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो पे बाय करना था और शॉर्ट सेल करना था हमें सिक्स थर्टी पे तो देखिए ग्रेसिम का जो मैंने चार्ट खोल दिया यहाँ पे देखिए पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने के बाद इसने गैप फिल पहले में ही कर लिया था बट इसने कोई भी होल्ड नहीं लिया था मैं हमेशा बोलता हूँ होल्ड लेगा तभी इसने यहाँ पे इस एरिया में अप्रॉक्स दो से तीन मिनट का होल्ड लिया उसके बाद ये ऊपर बढ़ने लगा इस एरिया में तो होल्ड लेने के बाद आप इजिली इसे बाय कर सकते थे बाय करने के बाद पहला टारगेट यहाँ चीवा सेकंड टारगेट प्राइस यहाँ ची हुआ थर्ड टारगेट प्राइस यहाँ ची हुआ तो मैं अपने न्यूवर्स को भी बता दूँ अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है जैसे कि यहाँ हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद उसका गैप फिल होना बहुत जरूरी है टेन एम के अंदर अंदर और गैप फिल होने के बाद आप बाई की या फिर शॉर्ट सेलिंग की कॉल देखिए शॉर्ट सेलिंग की कॉल तो ले सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ है तो शॉर्ट सेलिंग की कॉल अगर एक फ्लो में ट्रेंड नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग की कॉल इजिली ले सकते हैं बट बाई की कॉल के लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक को होल्ड देना बहुत जरूरी है बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी उसका होल्ड लेना बहुत जरूरी है तभी ट्रेंड चेंज हो सकता है वरना डाउन ट्रेंड में आप बाई नहीं करेंगे अब ट्रेंड में आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो सर बाय करने के लिए बोला था नाइन जीरो सेवन पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था नाइन जीरो टू पे शॉर्ट सेलिंग के साइड के चार्ट में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट सेलिंग की कॉल एक्टिव थी देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये यह जो स्टॉक है ये ओपन हुआ था ओपन हुआ था अप्रॉस अप्रोक्स नाइन जीरो फाइव पे यानी कि यह गैप ऑफ ओपन नहीं हुआ था नॉर्मल ओपन हुआ था आपने शॉर्ट सेल किया होगा ये शॉर्ट सेलिंग की लाइन में आपको दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी हमारी नाइन जीरो टू की शॉर्ट सेलिंग के बाद फर्स्ट टारगेट प्राइस छोटा थर्ड सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस बढ़ा और ये देखिए ये अप्रॉस अप्रोक्स इतने पे है उसके बाद ये ऊपर बढ़ गया तो देखिए हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए प्लस बाई की कॉल की अगर मैं बताऊँ बाई साइड की कॉल भी यहाँ पर थी हमारी आ, अगर आप देखेंगे नाइन जीरो सेवन की थी नाइन जीरो सेवन यहाँ पर अप्रोक्स हमारा बाई का लेवल एक्टिवेट हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ नाइन जीरो सेवन का और इसने हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था हमारा नाइन जीरो नाइन का था वैसे तो बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये एग्जैक्टली यहीं पर था हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस तो इसने बाई साइड का भी फर्स्ट टारगेट प्राइस ईजिली अचीव कर लिया था चलिए मैं टेलीग्राम चैनल का आपका रिव्यू दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर जो कॉल प्रोवाइड की थी तो मॉर्निंग में जो मैंने आपको कॉल दी थी पहली थी हमारी आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की जिसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का लेवल जो था एस एल हिट हो गया था बट बाई साइड के हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट ईजीली अचीव हो गया था सेकेंड uh, था हमारा एम सी एक्स एम सी एक्स हमारा बाई साइड के और शॉर्ट सेलिंग साइड के दोनों बाई साइड के हमारा दो ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाए शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे चलिए चार्ट में देख लेते हैं इस चीज़ को तो ये एम सी एक्स का पहले मैं आईबुल हाउसिंग का बता दूं आपको आइबल हाउसिंग फाइनेंस में देखिए यहाँ पे हमारा ये था इसने होल्ड दिया था यहाँ पे फाइव मिनट का चार्ट मैं सॉरी वन मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है आपके लिए वन मिनट के चार्ट में अगर आप इजीली देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसने हल्का होल्ड दिया था एक मिनट का और मैं हमेशा कहता हूँ थर्टी सेकेंड से लेकर वन मिनट का होल्ड लेना ज़रूरी है उसके बाद देखिए इसने यहाँ तक गया और इसने काफ़ी अच्छा हमारा टारगेट अचीव कर लिया था ईजिली कर लिया था और टारगेट अचीव होने के बाद सेकेंड टारगेट वाइज भी इसने इजिली यहाँ पर अचीव कर लिया था यहाँ की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ क्या, क्या करूँगा होल्ड लेने के बाद जब इसने होल्ड ले लिया था एक जगह पे डाउन ट्रेंड के बाद इसने होल्ड लिया उसके बाद ऊपर बढ़ा और हमारा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट वाइज इजीली अचीव कर लिया एस एल हिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसने शॉर्ट सेलिंग का लेवल हमारा ब्रेकआउट हुआ ये जो लाइन देख रहे हैं आप और यहाँ पर हमारा एस हिट हो गया था देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसे हिट हो जाता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हंड्रेड परसेंट ही आपको मिले बट ऐसा है कि हमारी कॉल्स ऐसी रहती है कि आपको ज़्यादातर फ़ायदा ही मिलता है नाइन्टी ऐसा ही रहता है कि आपको फायदा मिले अब मैं एम की बात कर रहा था एम में देखिए बाई साइड के देखिए पहले यहाँ पर लेवल हमारा

सो so, मैं बात करता सब्सक्राइबर्स की कॉल की तो देखिए इसमें ई वी बी में हमारा जो था बाईसाइड का सेल हिट हुआ बाकी हमारे सारे टारगेट वाइज अचीव हुए और बात करूँ टी वी एस मोटर की तो टी वी एस मोटर में क्या हुआ टी वी एस मोटर में क्या हुआ पहले हमारा बाई साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर सेल साइड का फिर बाई साइड की तीनों टारगेट वाइज अचीव हुए और शॉर्ट सेलिंग साइड के भी तीनों लगभग तीनों टारगेट अचीव हुए तो इसे नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने रखा इसलिए ये क्योंकि मैं कहता हूँ कि पहली बार में अगर टारगेट अचीव होगा तो आप दूसरी बार कॉल नहीं लेंगे बट अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरी बार आप कॉल लेते देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको जो कॉल्स दिखाई उसको आप क्रॉस चेक कहाँ कर सकते हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अब लेटेस्ट अपडेट में जाके आप सारी कॉल चेक कर सकते हैं जितनी भी कॉल्स मैंने आपको जहाँ पे बताई किस किस का टारगेट अच्छे हुआ किस किस का नहीं हुआ कैसे हुआ उसके लेवल्स क्या थे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्लस यहाँ इसके नीचे आप हमारा अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ हो पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दो प्लान से हमारे दोनों में से जो सेलेक्ट करना चाहता है और इसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको व्हाट्सअप पर कॉल चाहिए वरना आपको यहीं पर डेली मॉर्निंग मॉर्निंग में आप चेक कीजिएगा आपको अवर आप लेटेस्ट अपडेट में सारे कॉल्स मिल जाएंगी डेट के साथ और उसके नाम के साथ और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप में मिले तो आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा प्लस कोई भी डिटेल या फिर प्लान से रिगार्डिंग हो या प्लान के अलावा भी कोई भी इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज जाननी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेवन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी की कॉल्स की मैंने स्टॉक्स आपके लिए चुना है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस जिसे आप बाय करके चलेंगे सिक्स सिक्सटी टू का जब लेवल ब्रेकआउट होगा लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा सिक्स सिक्सटी टू पॉइंट वन जीरो का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप टारगेट रखेंगे अपना पहला टारगेट प्राइस हमेशा छोटा ही रखेंगे देखिए स्ट्रेटेजी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ और मैं आप भी चाहता हूँ कि आप फॉलो करें देखिए आपने बहुत सुना होगा आप सोच रहे होंगे कि पहला टारगेट प्राइस में क्या ही मिलेगा बट ये बात याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कुछ गवाने से कुछ अर्न करना ही ज़्यादा बेटर है तो कुछ जरूर मिलेगा उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आप बाहर निकल जाइए फर्स्ट टारगेट प्राइस में आप क्या कीजिए अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल कीजिए पहले आपका स्टॉप लस जो सिक्स फिफ्टी एट पॉइंट फाइव जीरो का था अब सिक्स सिक्स सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो का रख लीजिए उसके बाद सिक्स सिक्सटी एट का और सिक्स सेवेंटी टू का जो टारगेट है उसका वेट कर लीजिए ऐसे में क्या होगा आपसे अगर मान लीजिए कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है आपको पता नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपने क्या कर लिया माइंड में सेट किया सिक्स सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो का है, तो एक्जैक्ट टारगेट पे बाहर निकल जाइए ये कॉमनली आप भी सोचते होंगे बट आप फॉलो नहीं करते होंगे आप फॉलो कीजिए अगर आप मेरे स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग की बात करूँ शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है वो है 658 का टारगेट रहेगा आपका सिक्स फिफ्टी का और जो सेकंड टारगेट प्राइस है वो रहेगा आपका 651 थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 648 का स्टॉप लॉस रहेगा 661.50 का देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस ट्रायल करने के लिए सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस पर आप ईजिली आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और फर्स्ट टारगेट प्राइस पर बाहर भी आ सकते हैं डिपेंड करता है आपका ऐसे ही डेली प्रॉफिट कमाया जाता है वरना आप अगर ज़्यादा वेट करते हैं इंट्रा में स्टॉक जब कब ट्रेंड चेंज हो जाए पर्टिकुलर स्टॉक का वो पता नहीं चलता अगला स्टॉक है यू पी एल यू पी एल में बाय करके चलेंगे फोर सिक्सटी फाइव जब लेवल ब्रेकआउट होगा बाई साइड का फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट वन जीरो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे टारगेट रहेगा फोर 469 सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर सिक्सटी नाइन और फोर सेवेंटी टू का स्टॉपलस रहेगा फोर सिक्सटी टू का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी फोर सिक्सटी वन की टारगेट पहला टारगेट प्राइस छोटा हमेशा फोर सिक्सटी का सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा फोर 56 और थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 452 का स्टॉप लॉस रहेगा 464 का तो याद रखिएगा पहला टारगेट प्राइस छोटा चो, इसलिए रखा है ताकि आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर सके फर्स्ट टारगेट प्राइस में और सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस में अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप लेना चाहते हैं ट्रेड से वो ले सके एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिरते मार्केट में आपको बाय नहीं करना है और बढ़ते मार्केट में आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और उसने हल्का सा लेवल ब्रेकआउट किया बिना होल्ड लिए बाय और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में जब तक वो होल्ड नहीं लेगा तब तक आप उसे बाय नहीं करेंगे अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में और वही उसी का उल्टा जैसे गैप डाउन ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप शॉर्ट सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक वो एक मिनट या फिर आधे सेकेंड का होल्ड नहीं लेता है सॉरी थर्टी सेकेंड का होल्ड नहीं लेता है बाय बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में बाकी टारगेट प्राइस मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं आप प्रोवाइड कर दूँगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके डिस्प्ले में सॉरी आपकी स्क्रीन में हमारा नंबर आ गया होगा और हमारी वेबसाइट का भी आ, लिंक जो है यही है www.finvest.com आप सर्च कर सकते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा